अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान खान। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा, जो आज का टॉपिक है वो है पेट्रोल, और डेफिनेटली पेट्रोल के साथ जो इसकी मोबिलिटी है, जो कॉस्ट है, वो गाड़ियों पर क्या इम्पैक्ट डाल रही है। तो आज की वीडियो में हम इसको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम थोड़ा समझ सकें कि हमारी कौन सी गाड़ी कितनी फ्यूल एफिशिएंट है, हमें कौन सी गाड़ियाँ यूज़ करनी चाहिए और आजकल के टाइम पर कौन सी गाड़ियाँ यूज़ करने नहीं चाहिए। अच्छा, जो बेसिक मैंने किया है वेरी सिंपल फार्मूलेशन, कि मैंने गाड़ियों को टोटल ओवरऑल जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन को तीन लीग्स में मैंने गाड़ियों को जो है वो डिवाइड किया है ओवरऑल तमाम गाड़ियों को, और फिर मैंने जो है एक एवरेज ले लिया है कि पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज एक आदमी 50 किलोमीटर जो है वो कम्यूट करता है अपनी गाड़ी के ऊपर दिन में, चाहे दफ्तर जाना हो उसमें, चाहे दुकान पर जाना हो, काम से जाना हो, तो तकरीबन एक गाड़ी जो है 50 किलोमीटर दिन में जो है वो चल जाती है। अब जो पहली लीग की गाड़ी है वो है जिसके अंदर गाड़ियाँ आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल करोला आती है उसमें, उसमें सिविक है, MG है, किया आती है, स्पोर्टेज और पुरानी गाड़ियाँ भी आती हैं। तो नॉर्मली ये कोई 10-11 के आसपास जो है ये एवरेज देती हैं पर लीटर के ऊपर, यानी कि 10-1 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ियाँ जो हैं फिर रही होती हैं, 10, 10.5, 11, कुछ 9 भी करती हैं, डिपेंड करता है, लेकिन विदाउट AC जो है कोई 10 किलोमीटर जो है ये कर रही होती हैं। अब अगर 10 किलोमीटर जो है ये गाड़ी कर रही है और दिन में इसने 50 किलोमीटर करना है, तो हम एक सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं कि ये आपके महीने में कितने रुपए का जो आपका फ्यूल है वो यूज़ करेगी। सो हियर इज़ अ कैलकुलेटर जो आप देख रहे हैं मेरे सामने। अगर इसने चलना है 50 किलोमीटर और इसकी जो एवरेज है वो है 10, हम 10 ले लेते हैं, तो दिन में इसने 5 जो लीटर है फ्यूल यूज़ करना है। तो अगर 1 लीटर की प्राइस जो है वो 331.38 रुपये जो आज की प्राइस है, तीन तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 331.38 रुपये से, तो आप देखें अगर, तो ये दिन का 1656 या 1657 रुपये का पेट्रोल जो है वो दिन का यूज़ कर रही है। एक दिन में अगर ये 50 किलोमीटर इस लीक की गाड़ी चल रही है, करोला, सिविक, MG, किया, स्पोर्टेज और जो पुरानी गाड़ियां हैं हमारे पास जो चल रही हैं मार्केट के अंदर, जो कार्बोरेटर वाली गाड़ियां हैं, तो वो तकरीबन 10 किलोमीटर की अगर जो है वो एवरेज दे रही हैं सिटी के अंदर, और अगर वो डेली 50 किलोमीटर चलती हैं तो वो 1656 रुपये जो है वो खा रही है फ्यूल का। और अगर हम आप देखें कि ये महीने का कितना खाती है, तो ऐसे मल्टीप्लाई बाय 30, तो आप अगर देखें तो ये कंज्यूम कर रही है 49,707 रुपीज़, यानी कि लगभग ये 50,000 रुपये जो है ये आप कंज्यूम कर रही है आपका एक महीने का सिर्फ पेट्रोल की मद में। अगर हम देखते हैं कि अब ये साल में कितना करती है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं इसको हम, सो तकरीबन आपका 5,96,484 रुपये का जो पेट्रोल है, अभी इसमें जो है मोबाइल शामिल नहीं है, इसमें और मेंटेनेंस शामिल नहीं है, तो ये पहली लीक की जो गाड़ियां हैं ये आपका अगर 50 किलोमीटर दिन में चलें ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, तो ये तकरीबन आपका कोई 6 लाख रुपए के लगभग आपका जो फ्यूल है वो साल का जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, जो इसके मुकाबले में जो आप सेकेंड लीक की गाड़ियाँ जिसके अंदर सिटी आ जाती है, यारिस है, स्विफ्ट आ जाती है, पिकेंटो आ जाती है, जो इस लीक की गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन कोई 13 भी करती हैं, 14 भी करती हैं, 15 भी करती हैं शहर के अंदर मुख्तलिफ, जिस तरह आपका पाँव होगा, जिस तरह आप पेडल को यूज़ करेंगे तो कुछ ऊपर नीचे फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम एक एवरेज ले लेते हैं, दैट इज़ 14। नॉर्मली हम समझते हैं कि यार ये 14 के ऊपर जो है इसकी शहर में एवरेज आ रही है, सो दैट्स अ गुड एवरेज। तो फिर अगेन 50 के ऊपर जो है अगर ये दिन का जो है ये 14 की एवरेज दे रही है, 50 किलोमीटर चलना है इसने, सो इट विल कंज्यूम सम 3.757 लीटर्स अ डे, जो कि बनता है अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ प्राइस के साथ पेट्रोल की, तो दैट इज़ लाइक 331.38, तो ये बनता है तकरीबन 1183 रुपये का एक दिन में ये तेल यूज़ करती है पेट्रोल एक दिन के अंदर। इस सेकेंड लीक की गाड़ी की बात कर रहा हूँ, सिटी, यारिस, स्विफ्ट, पिकेंटो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो इस लीक की गाड़ियाँ। अब अगर मैं देखें कि महीने में कितना यूज़ करेगी ये, तो महीने में इट विल यूज़ अराउंड 35,504 रुपीज़ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज,
यानी कि तकरीबन 35,500-36,000 रुपए का महीने का सिर्फ आप इसका फ्यूल डलवाएंगे, सिर्फ पेट्रोल डलवाएंगे इस गाड़ी के अंदर। और अगर हम साल को देखें इसके ऊपर कि साल में कितना खाती है ये, तो मल्टीप्लाई बाय 12, सो इट विल कॉस्ट यू 426,000, तकरीबन 426,000 रुपये। तो 426,000 रुपये आप इस सेकेंड लीग की गाड़ियाँ जो हैं इस पर सिर्फ पेट्रोल की मद में डलवा रहे हैं, यानी कि दोबारा वही बात है कि बाकी सारी चीज़ें अलग हैं और सम टाइम आपको शहर से बाहर भी जाना पड़ता है, सम टाइम आपको जो है वो और आगे पीछे आपकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन बेसिक मोबिलिटी पर ये गाड़ी आपकी 426,000 रुपये जो है ये आपका फ्यूल कंज्यूम कर रही है। अच्छा, जो तीसरी लीग की गाड़ियाँ हैं जिसके अंदर जो है ये नई शेप वाली कल्टस आ जाती है, जिसमें ऑल्टो आ जाती है, जो वैगनार आ जाती है, तो 17-18 के करीब जो है ये आपको 17-18 कुछ 19 भी क्लेम करते हैं, लेकिन हम एक एवरेज बेस के ऊपर हम 18 ले लेते हैं कि ये गाड़ियाँ आपको 18 करती हैं। तो अब देखते हैं कि ये कितना जो है आपका खर्चा कर रही हैं साल के अंदर, दिन के अंदर और फिर महीने के और फिर साल के अंदर। तो इनको अगर डिवाइड करें हम 18 के ऊपर, तो आपका 2.77 लीटर्स जो है ये आपका लग रहा है डेली का पेट्रोल, जिसकी कीमत बनती है तकरीबन 920 रुपये दिन की। यानी कि अगर आपके पास नई वाली शेप वाली कल्टस है, ऑल्टो है, वैगनार है, इस लीग की गाड़ी अगर आपके पास है, तो तकरीबन वो 18 की एवरेज अगर हम उसकी रखें बगैर जो है वो एसी के, तो तकरीबन 920 रुपये आपके वो दिन की खाती है। और इसको मल्टीप्लाई करें आप 30 के साथ, यानी कि एक महीने के साथ, ये आपको 27,614 रुपये का पेट्रोल आपका जो है ये महीने का खा रही है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, यानी कि एक साल के साथ, तो तकरीबन 331,037 रुपये का पेट्रोल तकरीबन आपका ये खा रही है। तो अगर आप डिफरेंस देखें आप इसके अंदर, तो जो आपने पहली लीग की जो गाड़ियां हैं वो तकरीबन कोई 6,00,000 रुपये का फ्यूल खा रही हैं, जो दूसरी लीग की गाड़ियां हैं वो तकरीबन 426,000 रुपये का, तकरीबन 4,25,000 रुपये का फ्यूल खा रही हैं, और जो तीसरी लीग की गाड़ियां हैं वो 331,000 का। यानी कि जो पहली लीग और तीसरी लीग में जो फ़र्क है वो तकरीबन 3,00,000 रुपए की सेविंग है। अगर आप छोटी गाड़ी चला रहे हैं तो 3,00,000 रुपए एन ईयर आप बचा सकते हैं, बल्कि पेट्रोल प्राइसेस और बढ़ेंगी तो ये जो डिफरेंस है ये 3,00,000 रुपए नहीं रहेगा, शायद ये डिफरेंस और बढ़ जाएगा इसका। तो मिनिमम डिफरेंस जो है आप 3,00,000 रुपए जो साल के बचा सकते हैं अगर आप छोटी गाड़ी चला रहे हैं। सो प्लीज़ हैव अ सेकेंड थॉट, अगर आपके पास छोटी गाड़ियाँ हैं तो छोटी गाड़ी यूज़ करें, और अगर छोटी गाड़ियाँ नहीं हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं तो कोई बात नहीं, कंसिडर करें अपनी बड़ी गाड़ियों को कन्वर्ट करने के ऊपर छोटी गाड़ियों के ऊपर। अगर छोटी गाड़ी लेंगे तो जो पैसे आप ये 2-3-4 लाख रुपए जब साल का बचाते हैं, इसको बेशक अपने ऊपर लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए, इन्जॉय कीजिए, छुट्टियों पर जाइए, इससे दोस्तों को तोहफे दें, घर में जो है पार्टीज रखें, इन्जॉय करें लाइफ को, लेकिन इन पैसों को सेव करें और इन पैसों को इन्जॉय करें अपने लिए। सो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।